हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही थी और नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या बोलते हैं देखो। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है मुझे, 6 मीटर। तो लेट मैं बना लेता हूँ, लेट मी, दिस इज योर पोल, मेरे पास एक पोल है, लेट मी, दिस इज ए बी, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, 6 मीटर। ठीक है, द वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ यानी ग्राउंड के साथ क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, 6 मीटर कास्ट इज शैडो ऑफ 4 मीटर। इसकी जो शैडो बन रही है, लेट बी, इस साइड से सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो इसकी शैडो इस तरफ बनेगी, तो दिस इज योर 4 मीटर, लेट बी, दिस इज सी। ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, दिस ए सी। ठीक है, सेम इसने क्या बोला, ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक टावर, ए टावर कास्ट ए साइड ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है मेरे पास, वो क्या कर रहा है, 28 मीटर लेंथ की शैडो बना रहा है। लेट मैं इसको पी क्यू आर बोल देता हूँ, ये मेरा टावर हो गया। टावर क्या करता है, 28 मीटर की शैडो बना रहा है, और टावर भी क्या होगा, वर्टिकली ही होगा, बोलने की जरूरत है इसमें, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। फिर क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे ये टावर की हाइट निकालनी है। इट मीन्स ये हमने अभी तक क्या किया, हम प्रूव कर रहे थे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, दो ट्रायंगल्स दे देते थे उनके सिमिलर है कि नहीं है। अब एक तरह से मैंने क्या करना है, उन सिमिलर ट्रायंगल्स का अप्लीकेशंस करना है, यूज करना है, कि मैंने सिमिलर तो कर दिया लेकिन उनका यूज क्या है। ठीक है, तो वो यूज यहाँ पे निकल के आएगा मेरे पास। ठीक है, इसकी हाइट ऑफ टावर निकालने में क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स का ही यूज होगा। तो सबसे पहला काम हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है लेंथ ऑफ द पोल, फर्स्ट लेंथ ऑफ द पोल कितनी है हमारे पास, 6 मीटर। लेट मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। मैंने इसको ए बी माना था, इसके एज इट इज लिख लेते हैं। फिर दिया हुआ है शैडो ऑफ द पोल यानी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पोल। अब शेड ऑफ पोल कितनी लेंथ थी, 4 मीटर, इसको मैंने बी सी मान, तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर। हो गया, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शेड ऑफ टावर, तो लेंथ ऑफ शेड ऑफ टावर कितनी है मेरे पास, लेंथ ऑफ शेड ऑफ द टावर, दिस इज इक्वल टू कितनी है, दिस इज क्यू आर इज इक्वल टू 28 मीटर। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर और लेंथ ऑफ द टावर। ठीक है, मैं बोलता हूँ मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर या लेंथ ऑफ द टावर, कुछ भी लिख सकते हो, बट क्वेश्चन में हाइट लिखा हुआ है तो हम हाइट ही लिख लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, सिमिलर मतलब इन दोनों के बीच में ही कुछ रिलेशनशिप होगा, वो मुझे देखना है। दोनों ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं फर्स्ट, कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल्स मैंने ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो एक चीज़ तो मुझे पता लग रहा है कि एंगल बी जो है ए बी सी का और एंगल क्यू जो है वो पी क्यू आर का ईच क्या है, ईच 90 डिग्री। ये सुनो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वर्टिकल है मेरे पास, पोल भी वर्टिकल है और टावर भी वर्टिकल है, दोनों क्या बनेंगे, ईच 90 डिग्री। आप डायरेक्टली ईच 90 डिग्री लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि पोल एंड टावर बोथ आर वर्टिकली, तो देयर फॉर पी एंड क्यू इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ईच 90 डिग्री लिखोगे तो भी इनफ है, क्योंकि हमने गिवन में हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो साइड्स तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसका तो एप्लीकेशन में आएगा, यानी जब ट्रायंगल मेरी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, तो ही मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता ही नहीं है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो साइड सिर्फ एक गिवन है, तो एक साइड का रेशियो मैं कैसे बोलूँगा कि दूसरी के इक्वल है, जब सिमिलर होगी तभी बोलूँगा ना। तो इसका मतलब मुझे कुछ एंगल का, एक एंगल मिल गया, मुझे दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है, यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया से ही मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिमिलर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसने बोला एट द सेम टाइम शैडो कास्ट कैसे हो रही है, द
से मान लो मेरी सन है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम है, किसी भी टाइम पे है, अगर मैं किसी भी प्लेस से देखूं, लेट बी मेरी आईज यहाँ पे हैं और मैं यहाँ से इसकी तरफ देखता हूँ ये, ठीक है, तो ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे, लेट बी दिस थीटा। एक दूसरा बंदा यहाँ से देख रहा है, ठीक है, ग्राउंड के साथ, ठीक है, तो क्या इन एंगल्स में डिफरेंस होगा? एट द सेम टाइम, कभी भी एक टाइम पे, ठीक है, एट द सेम टाइम, ये नहीं कि एक सुबह देख रहा है एक दोपहर को देख रहा है, नहीं, अगर दोनों बंदे सुबह देख रहे हैं दोनों बंदे दोपहर में ही देख रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा सन का, ठीक है, तो वो क्या होगा, यानी मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे देखूँ और फिर सन की तरफ अगर देखूँ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ बोलते हैं देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एट द सेम टाइम अगर मुझे सनलाइट्स की कहीं भी बात हो रही हो, ठीक है, ठीक है, तो एट द सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, यानी कोई भी सन को देखे, ठीक है, उसी टाइम पे तो क्या होगा, सेम एंगल बनेगा, यानी चाहे मैं यहाँ से उसको देखूँ चाहे मैं यहाँ से उसको देखूँ, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में मेरा ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, रीजन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखते हैं तो उसको हम उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा ये लाइन हो गया, अब मैं ऊपर देखूंगा तो जितनी मेरी आईज मूव की है, ठीक है, इसके साथ ये जितना एंगल बना इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एट द सेम टाइम यानी मॉर्निंग में जब आप सन को देख रहे होगे, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी बंदा देखे कहीं भी खड़ा होकर देखे वो एंगल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा क्योंकि सन वहीं पे है, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। तो वो देखें कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में मेरे दो एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती है, सिमिलर। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को मैंने क्या कर दिया, सिमिलर टू कर दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि इस ट्राइंगल की, फर्स्ट ट्राइंगल की ए बी सी की अगर मैं साइड ए बी लेता हूँ, फर्स्ट की मैंने ले ली ए बी डिवाइडेड बाय, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, तो फर्स्ट की ए बी है तो सेकेंड की क्या होगी, पी क्यू, दिस इज डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू। अब सेकंड की लेता हूँ मैं बी सी, मैं लेने को ए सी भी ले सकता हूँ लेकिन मुझे गिवन बी सी है, ए सी से मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं क्या लूँगा बी सी, सेकंड के लिए मैंने बी सी डिवाइडेड बाय, बी सी कहाँ है, इसकी लास्ट टू, और इसकी लास्ट टू क्या है, डिवाइड बाय क्यू आर, रीजन क्या देंगे, सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज आपके पास है पुट कर दो, ए बी कितना है मेरा 6 मीटर, पी क्यू इज द हाइट ऑफ टावर मुझे फाइंड आउट करनी है, बी सी, बी सी मेरा है 4 मीटर, क्यू आर, क्यू आर है मेरा 28, ठीक है, 4 × 4 = 28, 1/7, तो मेरे पास मिल गया 6 / PQ = 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पी क्यू की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 की किसी से मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाता है, एज इट इज, पी क्यू इंटू 1 इज पी क्यू, 7 × 6 = 42 मीटर, एट मीन दिस इज योर हाइट ऑफ टावर, meter, that's your answer, सिंपल से था। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि एट द सेम टाइम मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। और ये चीज ध्यान रखना है कि आपको कभी भी बोला जाए कि कोई भी बिल्डिंग है आपकी, कोई भी टावर है, कोई भी पोल है, ठीक है, ठीक है, कोई भी आपको दीवार बोल दे, वॉल बोल दे, ठीक है, तो हर एक कंडीशन में मेरा क्या होता है, एंगल मुझे 90 डिग्री लेना है, ठीक है, वो टेढ़ा है पोल की, सर टेढ़ा हो सकता है, नहीं, मुझे मान के चलना है कि 99.99% मेरे पोल क्या होते हैं, सीधे ही होते हैं, मींस डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब बनाने वाले ने उसको टेढ़ा बनाया तो उसकी कोई गलती नहीं, हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो सीधे के हिसाब से करेंगे। तो ऑलवेज ऐसी चीज़ों को हमें क्या मानना है, 90 डिग्री मान के चलना है कि वो वर्टिकली है टोटली, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ग्राउंड के साथ हमेशा क्या बनाएंगे, 90 डिग्री ही बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले आपको कि सनलाइट लग रही है या फिर कोई लैंप है, मैं बोल दूँ कि आप यहाँ पे एक लैंप है मेरा, ठीक है, और एक यहाँ पे ये मान लो लैंप है,
ठीक है, यहाँ पे कोई पोल है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ से लाइट लग रही है आपकी, ठीक है, तो ये भी जो एंगल बनेगा दोनों का, एक ये ट्रायंगल बनेगी और एक ये वाली जो ट्रायंगल बनेगी, दोनों ही कंडीशन में मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एट द सेम टाइम अगर ऐसी चीज़ों की बात करूँ मैं, सनलाइट, लैम्प, ठीक है, तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट जो लेके आना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन का ही लेके आना है हमेशा, ठीक है। ओके, अभी के लिए थैंक यू।